राशन दुकान आवंटन के दौरान मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के साथ आए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। लालकुआं कोतवाली के हल्दू चौड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दोलिया गांव में खाद्य पूर्ति निरीक्षण मोहित कंठेत की अध्यक्षता में सरकारी सस्ता गल्ला दुकान के आवंटन को लेकर मीटिंग चल रही थी। इस दौरान मामूली विवाद पर कुछ युवकों ने पूर्व सैनिक कैलाश चंद्र बिरखानी पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारतूस के खोखे बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्दू चौड़ चौकी पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जैसे कि सूचना मिली थी कि दोलिया क्षेत्र जो है हल्दू चौड़ का, वहाँ पे किराना शॉप को लेकर कुछ विवाद हुआ था दो पक्षों में, उसी के दौरान पथराव और फायरिंग की सूचना आई थी। तो अभी पुलिस द्वारा इसमें संदिग्धों की पूछताछ करी जा रही है, बहुत जल्दी कन्फर्म वेरीफाई हो जाएगा कितने लोग एग्जैक्टली थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।